नमस्कार साथियों, मैं सूरज पाल सिंह फिर आपके साथ ओलंपिक के साथ। आज ओलंपिक खेल के हम खेल में प्रतियोगियों के लिए नियम टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज क्या नियम होते थे खिलाड़ियों के लिए, किस तरह का उन्हें अपने नियम के अकॉर्डिंग खेलना पड़ता था, किन किन चीज़ों को मान स्वीकार करना पड़ता था, उन सभी को लेकर के आए हैं हम। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है प्राचीन ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाला खिलाड़ी पूर्ण रूप से हेलेनिक नस्ल का हो। पूर्ण रूप से क्या हो? हेलेनिक नस्ल का हो, अर्थात पूरी तरह से फिट हो, मतलब एथलीट हो, खेल के योग्य हो, तभी वो भाग ले सकता था। और शारीरिक योग्य उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई विकलांगता ना हो, अर्थात कोई रोग ना हो, वह शरीर से स्वस्थ हो, तभी वह प्राचीन ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट कर सकता था, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट आता है प्राचीन ओलंपिक खेल में गुलाम वे पंडित भाग नहीं लेते थे। क्या कह रहे हैं? प्राचीन ओलंपिक खेल में गुलाम और पंडित भाग नहीं लेते थे, क्योंकि उसमें प्राचीन यूनान में सबको अपने अपने काम बटे हुए थे कि तुम्हें क्या करना है, उसी तरह का था। इसीलिए पंडितों का काम अलग था, जो गुलाम थे उनका काम अलग था, तो इसलिए इन्हें खेलने का अधिकार नहीं था। उसके साथ नेक्स्ट आते हैं, खेल प्रारंभ होने से एक महीना पहले ही प्रतियोगियों को ओलंपिया में रहना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? ओलंपिया शहर में रहना पड़ता था, जहाँ पर ओलंपिया वो स्थान था जहाँ पर प्राचीन ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे। पहला प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो ओलंपिया से ही हुआ था, तो इसीलिए वहाँ सब खिलाड़ी एक महीने के लिए इकट्ठे होकर अभ्यास कार्य करते थे अपने प्रतियोगिताओं का। और प्रतियोगिता को यह भी शपथ दिलाई जाती थी, जो भी प्रतियोगी होता था उन्हें ये शपथ भी लेनी पड़ती थी कि वे अपने राज्य में कम से कम 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों। कम से कम 10 माह का प्रशिक्षण, कितने माह का? 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों, तभी उन्हें ओलंपिया में एक महीने का अभ्यास करने की अनुमति मिलती थी, अन्यथा नहीं। ये उन्हें शपथ लेनी पड़ती थी ये प्रतियोगियों को कि हाँ, हमने अपने राज्य में, यूनान देश के जितने भी खिलाड़ी थे अपने अपने राज्य में 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हों, तभी वो खिलाड़ी एक महीने का प्रशिक्षण ओलंपिया शहर में लेते थे, एक महीना रहना पड़ता था उनको वहाँ पर। उसके साथ अब आते हैं नेक्स्ट, महिलाओं को प्रतियोगिता में भाग लेना या देखने का प्रतिबंध था। पहले बताया था मैंने कि महिलाओं प्राचीन ओलंपिक खेल देखने के लिए पूर्ण तरह से प्रतिबंधित थी, वो नहीं देख पाती थी। उसका एक रीजन था, क्या कारण था? उसका मेन कारण ये था, जब प्रतियोगी प्रतियोगिता में भाग लेते थे प्राचीन ओलंपिक खेलों में, तो वस्त्रहीन होते थे, उसी को देखते हुए महिलाओं को प्राचीन ओलंपिक खेल देखने के लिए प्रतिबंध किया जाता, वर्जित किया जाता था। मेन कारण इसका यह था कि उन्हें इसीलिए खेल देखने के लिए मना कर दिया जाता था। नेक्स्ट आता है, खेलों में भाग लेने के लिए खेल विशेषज्ञ हेलेनिक कार्ड के अधीन रहकर 1 माह का अभ्यास करना पड़ता था। जो ओलंपिया स्थान था हमारा, ये ओलंपिया नामक स्थान जहाँ पर 1 माह का अभ्यास करना पड़ता था, तो वहाँ पर हेलेनिक कार्ड नाम के विशेषज्ञ होते थे, खेल विशेषज्ञ, उनके अधीन रहकर अभ्यास करना पड़ता था। जो हेलेनिक कार्ड थे उनके अधीन रहकर 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था और अपनी प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने के लिए निपुण हो जाते थे, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निपुण माना जाता था, इस तरह से बोलिए, अपनी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वो निपुण माने जाते थे। लास्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में शौकिया खिलाड़ी ही भाग लेते थे। क्या होते थे? जो शौकिया खिलाड़ी थे, जिन्हें इच्छुकता होती थी कि हाँ, मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना, मुझे प्रतियोगिता में ही भाग लेना है, मुझे खेलना है, वो ही भाग लेते थे। जो व्यवसायी लोग थे, व्यापारी लोग थे, वो कभी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेते थे, क्योंकि उन पर सब पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि वो कभी भाग नहीं लेते थे। अब इसके बाद टॉपिक आता है खेलों का उद्घाटन, प्राचीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन। नए टॉपिक के साथ आते हैं, अभी कराते हैं वो भी।